तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ आपको बताएंगे कि पंप जो है कैसे काम करता है, किस मतलब टेक्नोलॉजी से पंप बनता है, कैसे काम करता है, क्या क्या हमने पंप को डेवलप करने के लिए हमने इसमें ऐड करना पड़ता है, किस वजह से पंप जो है अच्छा प्रेशर निकालता है, किस वजह से पंप जो है पानी निकालता है। तो कुछ इस प्रकार से इतने पार्ट जो है आते हैं इसमें। हमारा एक आईपी एनआरवी आता है, शाफ्ट आता है, चाबी, कपल, बुशिंग ये वगैरह वगैरह आते हैं। तो बुशिंग का क्या काम है कि पंप को इस शाफ्टिंग को इस यहाँ पे बाउल एम्पिलर के बीच में रखना है, इसको इधर उधर नहीं आएगा आने देना है, इतना बुश का काम है। ठीक है, बुश का काम इतना है कि अगर इधर उधर हुआ तो या एम्पिलर और बाउल यहाँ पे देख सकते हैं आपस में घिस जाएंगे, तो बुश का इतना ही काम है। बुश का काम है कि पंप को बिल्कुल थ्रू घुमाना है पाए इस शाफ्टिंग के जरिए। शाफ्टिंग का काम यही है कि एम्पिलर को बाउल के अंदर अगर शाफ्टिंग घूमेगा तभी एम्पिलर घूमेगा और तभी पानी निकालेगा। शाफ्टिंग का काम इतना ही, शाफ्टिंग का काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कप्पल रहता है, कप्पल का काम बस इतना है, यहाँ पे मोटर को जॉइंट करता है और मोटर इस कप्पल को घुमाती है, कप्पल में शाफ्टिंग जॉइंट है, शाफ्टिंग इस एम्पिलर को घुमाता है, कप्पल का काम ख़त्म हुआ। आईपी क्या काम करता है, आईपी में यहाँ पे बुश हमने लगाया हुआ है, बुश का काम हमने आपको बता दिया। यहाँ पे मोटर सेट करनी है, वैसा काम हमने इसमें दिया है, यहाँ पे आटा दिया है और जिसमें पाइप हमारा लगता है। तो इतना काम तो चलो नॉर्मल काम है, या तो समझ लो कैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेन काम जो है वो होता है इन बाउल एम्पिलर का। जी हाँ दोस्तों, मोटर शाफ्ट को घुमाती है, शाफ्ट एम्पिलर को घुमाता है, एम्पिलर को अगर हम सही से सेट करेंगे तभी तो आप अच्छा पानी निकालेगा। तो आज की वीडियो हम यह समझेंगे यह कैसे हमने मतलब सेटिंग करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, कैसे यह पानी निकालता। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एम्पिलर है जो यह पानी ऊपर की ओर केवल धक्का लगाता है। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे मान के चलिए, यहाँ पे ऐसे लगा दें तो ऊपर बाउल नहीं लगाएंगे तो यह पानी साइड में फेंकेगा। तो इसको कवर करने के लिए, इसको मतलब जोड़ने के लिए एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक इस बाउल का उपयोग हमने किया हुआ है। सबसे पहले से समझाते हैं हम आपको पंप वर्क कैसे करता। पंप ऐसे मोटर में यहाँ पे लग जाता है या आईपी, यहाँ से पानी अंदर ऊपर जाता है, इस होल से पानी जो है निकलता है। अब शाफ्टिंग का काम मैं यहाँ पे छोड़, चलो ठीक है लगा रहने देता हूँ। यहाँ पे पानी यहाँ से अंदर गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक पानी बोर में अगर डालेंगे ऐसे ही तो पानी यहाँ तक रहेगा। अब बाकी का काम एम्पिलर को करना है। एम्पिलर को यहाँ पे हमने रखा, अब एम्पिलर को कहाँ कैसे रखना है, यहाँ पे हमने नेकरिंग यहाँ पे बना दी है कुछ इस प्रकार से। एम्पिलर में इस नेकरिंग को इस यहाँ पे इस नेकरिंग के अंदर थोड़ा सा ही डालना है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं भले ना आप 1 mm डालें यहाँ पे, लेकिन अगर इतने में डालेंगे तो पंप का डिस्चार्ज में आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेकरिंग क्यों बनाई है, नेकरिंग इसीलिए बनाई है क्योंकि यहाँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 mm 1.5 mm यहाँ पे अंदर रहे, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 mm की चाबी से माप के पंप बनाना स्टार्ट किया। 4 mm की चाबी से ऐसे देखेंगे तो देख सकते हैं यह नेकरिंग जो है, यह नेकरिंग यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलो हमने डाल दिया है, यहाँ पे 4 mm की चाबी से नाप लेना है, नाप लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे यह नेकरिंग जो है, देख सकते हैं यहाँ पे नेकरिंग उसके अंदर है, यहाँ पे इसके अंदर है तभी यह अच्छा प्रेशर देगा, अन्यथा इसमें थोड़ा डिस्चार्ज में 2-5 लीटर 10 लीटर का फर्क भी पड़ सकता है। तो यहाँ से पानी अंदर गया कहाँ पे गया, यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हमने आकार यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर हम इसको अलग कर दें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, मैं अलग कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से यह एम्पिलर हमारा रहता है। इसमें 7 ऐसा पंखुड़ी 7 किसी में रहता है, किसी में 8 रहता है। इस पंखुड़ी का यह काम जो है, यह पानी ऊपर ढकेलने का काम करता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
यह नोक जैसा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि ये पानी यहाँ से ज़्यादा आए। यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ से पानी ज़्यादा इकट्ठा हो, यानी कि गहराई यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ तक आते आते गहराई कम हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ से अगर पानी अगर यहाँ पे रहेगा तो उसका डिज़ाइन हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, या उल्टा घूमता है मोटर, उल्टा अगर फुल स्पीड में घूमेगा तो पानी ऑटोमेटिक यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से पानी बाहर निकला, इसको अगर ऐसे ही हम रख देंगे, छोड़ देंगे तो पानी बाहर निकलेगा। इसको कवर करने के लिए यह बाउल जो है हमने यहाँ पे लगा रखा है कुछ इस प्रकार से। अभी पानी बाहर नहीं जाएगा, पानी अभी कहाँ जाएगा चलिए उसको मैं आपको समझाता हूँ। इस बाउल के ज़रिए इसको कवर निकाल देता ऊपर से, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह बाउल छुटा रहता है। यहाँ से या एम्पिलर यहाँ पे लगा, ठीक है, यहाँ से पानी गया, अभी दूसरा एम्पिलर लगा देते हैं, यहाँ से पानी अंदर गया, यहाँ से निकाला इस एम्पिलर के पानी को कवर करने के लिए। यहाँ से अब दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जो होल आता है ना होल, इस होल से पानी जो है फुल स्पीड से बाहर यहाँ तक आएगा। यहाँ से फिर कुछ इस प्रकार से नेकरिंग यहाँ पे लगा, ये सातों एम्पिलर के जो पंखड़ियाँ होती हैं सातों में से पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें देख सकते हैं 6 होल है, इस 6 होल से बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पे हमने यहाँ प्लास्टिक का रिंग लगा दिया, यहाँ से अब क्या है प्लास्टिक का रिंग जो है पानी कवर करेगा। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया कि यह दूसरा एम्पिलर भी इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको भी यहाँ पे हमने नेकरिंग दी हुई है, सेम वैसा ही काम करेगा। एक यहाँ पे हमने लगाया, देख सकते हैं यहाँ पे एम्पिलर लगा दिया। अभी क्या पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा। अभी यहाँ से यह केवल 20 फीट का ही काम करेगा। अगर हमें छोड़ना होता है 50, 100, 150, 200, 300 फीट तो उसके ऊपर क्या स्टेज हमें बढ़ाते जाना है। इसलिए हमने यहाँ पे नेकरिंग बनाई कि यह एक इस एम्पिलर का प्रेशर जो है 20 फीट आएगा। फिर हमें अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो हमने दूसरा एम्पिलर फिट किया। दूसरा एम्पिलर में देख सकते हैं यहाँ पे भी नेकरिंग है और यहाँ पे भी नेकरिंग है। यह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इतने में हमें फिट करना होता है, क्योंकि यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से थोड़ा गैप दे दिया तो पानी क्या होता है इस नेकरिंग यहाँ से जाने की बजाय बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से हमारा प्रेशर में प्रॉब्लम आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इतने में ही रखना है। देख सकते हैं यहाँ से बाहर इस नेकरिंग को इस नेकरिंग में अंदर 1 mm रखना है, तभी यहाँ से फुल पानी गया, फिर फुल पानी यहाँ पे आया, फिर यहाँ से दूसरे एम्पिलर में गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवे, ऐसा हमारा पंप जो है काम करता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।